मैं अपने डीआईजी सर से निवेदन करूंगा, कृपया इस कार्यक्रम के संबंध में दो शब्द दिशा निर्देश के रूप में देने की कृपा करें। ये मेरे लिए आज बड़ा हर्ष का विषय है और हम सबके लिए हर्ष का विषय है जो हम लोग कुंभ की ड्यूटी के लिए यहाँ हरिद्वार आए और महाराज जी का सानिध्य हमको आज प्राप्त हुआ। हम लोग अगस्त से ट्रेनिंग लगातार प्रशिक्षण चला रहे थे और उसमें आंतरिक विषय के साथ साथ हरिद्वार के संवेदनशील स्थानों का भ्रमण और हरिद्वार के महान संतों का आशीर्वाद भी हम लोगों ने अपने पाठ्यक्रम में रखा था। उसी कड़ी में आज हम स्वामी जी के सानिध्य में हैं, उनके आशीर्वाद के लिए हैं और हम आभारी हैं उनके कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और हमारे कुंभ में जो लोग ड्यूटी के लिए आए हैं उन्हें अपना आशीर्वाद वचन भी देंगे। महाराज जी, हम लोगों ने करीब 4000 लोगों की ट्रेनिंग का लक्ष्य रखा था, उसके अलावा जो पीएससी के लोग थे उनके ट्रेनिंग का लक्ष्य रखा था, जिसमें हमने सभी सब्जेक्ट सभी विषय पढ़ाए। उसमें कैसे क्रोध पर नियंत्रण करना है, कैसे संयम बरतना है, कैसे लोगों से व्यवहार करना है, ये सब उस पाठ्यक्रम में शामिल था। उसके साथ ही हम लोगों ने हरिद्वार के जितने संवेदनशील स्थान हैं जहाँ घटनाओं दुर्घटनाओं का पुराना इतिहास रहा है उसके बारे में, उन जगहों का भ्रमण भी हम लोगों ने कराया। अभी हमारा 3 कोर्स और बचा हुआ है क्योंकि अब कुंभ में फोर्स की आमद शुरू हो गई है। हमें ये भी देखना होगा कि जो बाकी जनपद हैं जहाँ से फोर्स हमारे कुंभ में आ रहे हैं उन जिलों में भी परेशानी न हो। प्रशिक्षण के साथ साथ कुंभ की लगातार ड्यूटी में भी जिलों में अपने कार्य प्रणाली में उनको कोई दिक्कत न हो। तो हम लोगों ने आज तय किया है कि हमारा आज हम कोर्स समाप्त करेंगे और 3 कोर्स जो बचे हैं वो जब ड्यूटी करने आएंगे उसी बीच 3 दिन का उनका कोर्स चलाएंगे। एक तरफ से आज कुंभ के प्रशिक्षण का ये अंतिम कोर्स हमारा, जो विधिवत हमने 6 दिन का चलाया था, वो एक आज उसका अंतिम कोर्स भी है। इस अवसर पर हमें एक सौभाग्य मिला कि हम स्वामी जी के साथ हैं और स्वामी जी के आशीर्वाद भी हमें मिलता रहेगा, ये हमारे लिए बहुत एक गर्व की बात भी है। महाराज जी, हम लोगों ने इस कोर्स के दौरान लोगों को ये भी बताया है कि हरिद्वार में कुंभ के स्नान के टाइम, देखिए यहाँ स्नान होते रहते हैं, कांवर मेले में दूसरे तरह का क्राउड रहता है, अन्य स्नानों में दूसरे तरह का रहता है और ये कुंभ के स्नान में अलग तरह के आदमी रहेंगे, उनको हमें कैसे अच्छे व्यवहार के साथ अच्छे तरह से उन लोगों को स्नान कराएं और जो जिस गंतव्य से आया उस गंतव्य उनको सही सलामत हम उनको पहुँचाएँ, उनको हम सही रास्ता दिखाएं, ये हम लोगों ने इनको सिखाने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी चीज़ हमने कहा कि अब संयम बरतेंगे, क्रोध पर नियंत्रण करेंगे, क्रोध पर कंट्रोल करेंगे। इन सब चीज़ों का समावेश करते हुए हमने भी इनको बताया कि जो भी कुंभ स्नान करने आएगा, चाहे किसी प्रांत का हो किसी देश का हो, वो हमारे परिवार का होगा, उसे हम अपने परिवार का मानेंगे, तभी हम लोग उस ड्यूटी को अच्छी करने में सक्षम होंगे। जब मेरे परिवार का कोई आदमी स्नान करने आए तो हम भी चाहेंगे कि बहुत अच्छा स्नान हो, उसके साथ कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, अगर कोई दिक्कत हो तो उसकी मदद करें। उस मदद को आगे बढ़ने के लिए उत्तराखंड पुलिस के जवान और हमारे पीएसी के जवान आगे रहेंगे और उनकी मदद करेंगे। अगर मैं अपने लिए सोच सकता हूँ तो मुझे हर उस आदमी के लिए समझना चाहिए जो इस पूरे देश का है या विश्व का है, सब मेरे परिवार के हैं, परिवार की तरह ही मान करके उनके स्नान को हम लोग कराएं और जिस लक्ष्य से वो आए हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम उनमें एक सहयोग करें, अपना योगदान दें। हमारे लिए सबसे बड़ा पुण्य वही होगा, हमारे स्नान का पुण्य से बहुत बड़ा पुण्य वो होगा कि जो लोग बाहर से आए हैं वो यहाँ स्नान करके जाएं और आपको याद करें, आपकी व्यवस्था को याद करें, आपके व्यवहार को याद करें। ये हम लोगों का एक प्रशिक्षण का एक मकसद था। आज एक तरफ से जैसे मैंने आप कहा कि हमारा अंतिम ट्रेनिंग है ये जो विधिवत 6 दिन का चला था, यह हमारे लिए वाकई एक संयोग कहिए। आज हम महाराज जी के साथ हैं और उनके आशीर्वाद ज़्यादा सुनना चाहेंगे, ज़्यादा बोलने मेरे बजाय। मैं आपका आभारी हूँ और आपके आशीर्वाद के साथ साथ हम लोग अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे अनुरोध करूँगा कि आपके जो भी सुझाव या जो भी आदेश होंगे उसको हम लोग निश्चित तौर पर उसको अमल करने की कोशिश करेंगे। मैं पुनः महाराज जी का, बालकृष्ण जी का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर।
मैं आचार्य बालकृष्ण जी से अनुरोध करूंगा, कृपया वे हमें संबोधित करने की कृपा करें। आज इस पतंजलि योगपीठ प्रांगण में, इस योग भवन में इतने सारे हमारे जवानों को लेकर के उनको कुछ सिखाने की भावना से, उनके अंदर विद्यमान गुणों को और भी विकसित करने की भावना से उनको लेकर के यहाँ पर पधारे हुए माननीय हमारे डीआईजी साहब मारतोलिया जी और उनके साथ बैठे हुए हमारे कुंभ मेला के एसपी साहब श्री जगतराम जोशी जी, साथ में यहाँ पर सीएफओ श्री संदीप राणा जी, पुलिस उपाधीक्षक श्री हीरा सिंह राथाए जी, पुलिस उपाधीक्षक श्री प्रकाश देवली जी, पुलिस उपाधीक्षक श्री वीरेंद्र डबराल जी, एसपी जुयाल जी और साथ में इधर बहन खड़ी है सुनीता वर्मा जी, जो पुलिस सेवा के माध्यम से माँ भारती की सेवा के लिए संलग्न आप सभी भाइयों बहनों। यह पतंजलि योगपीठ परिवार, यह एक तरह से राष्ट्र सेवा के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, संस्कृति, परंपरा, मूल्य और आदर्शों की पुनर्स्थापना का यह अभियान है। इस अभियान को सुनने से, जानने से, देखने से, जुड़ने से, जिस तरह से देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की ऊर्जा का संचार होता है, इसी तरह से इस प्रांगण में आकर के हम आश्वस्त हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका, आपकी ऊर्जा का संचार भी यहाँ पर होगा। और आपका सौभाग्य है कि श्रद्धेय स्वामी जी साक्षात आज आपको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर विराजमान हैं। अभी हमारे डीआईजी साहब कह रहे थे आपके लिए कि क्रोध को, आवेग को कैसे कंट्रोल किया जाए, वो हम सिखा रहे हैं, बाकी तो श्रद्धेय स्वामी जी बताएंगे ही आपको। मैं एक बात कहना चाहता हूं, संसार के अंदर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हो सकते हैं, सबकी अपनी महत्ता है, सबका सम्मान है। तो यह भी आपका भी यह सौभाग्य है, नौकरी यहां नहीं तो और कहीं, जीवन निर्वहन का साधन इस विभाग में नहीं तो और कहीं, यह तो हो सकता है। परंतु कोई पीड़ित व्यक्ति आपके सामने खड़ा होकर के कहता है, भाई साहब मैं परेशान हूं, मेरी समस्या का तुम समाधान कर दो, समझ लेना कि परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है कि समस्या से ग्रसित व्यक्ति आपकी तरफ आशा भरी दृष्टि से देखता है। यही चीज को यदि आपने समझ लिया तो आप कभी भी अमानवीय व्यवहार कर ही नहीं सकते। आपकी सकारात्मक संवेदना और ऊर्जा जो है आपको प्रेरित करेगी, वाह भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए निमित्त बनकर के खड़ा हूं, ये भावना आपको काम कराएगी। जिंदगी में आप कभी विचलित नहीं होंगे, कभी पथच्युत भी नहीं हो सकते। यहां पर हमारे यहां सेवा का कार्य होता है, चिकित्सा का कार्य होता है, यहां पर हमारे यहां दर्जनों वैद्य लोग सेवाएं देते हैं। मैं हमेशा उनको एक ही शिक्षा देता हूं कि कोई भी रोगी तुम्हारे सामने आए तो उस पेशेंट को, रोगी को एक रोगी की तरह से मत देखना, तुम इस भाव से देखना कि यह तुम्हारा, तुम्हारे परिवार का अत्यंत प्रिय व्यक्ति है। उस प्रिय व्यक्ति के साथ जो तुम्हारा व्यवहार होता है वही व्यवहार इसके साथ करने का प्रयास करना। इसी तरह से आप जब सेवा में, दिन भर धूप में खड़ा रहना पड़ेगा, बारिश में भी रहना होगा, सर्दी में भी आप सड़क पर मुस्तैदी के साथ खड़े रहते हैं, गली कुचों में कहीं ना कहीं किसी ड्यूटी पर होते हैं, कई बार नींद पूरी नहीं होती है, कभी बार भोजन समय पर नहीं मिलता, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। वह हमारे कार्य क्षेत्र की, हमारे कार्य कुशलता का एक उदाहरण होना चाहिए। चाहे हम भूखे हों, चाहे हम प्यासे हों, चाहे हम धूप में हों, पर हमारी कर्तव्य निष्ठा पे हमारे चेहरे पर एक शिकन ना आ पाए तो वह फिर नौकरी और ड्यूटी नहीं, वो आपके लिए कर्म योग बन जाएगा। यदि ऐसा नहीं किया तो तनाव से आप अपने देह को भी खराब करोगे, व्यवहार को ठीक नहीं रखकर दूसरे को भी अशांत करोगे, क्योंकि दुनिया में दूसरे को अशांति हम बाद में देते हैं, पहले स्वयं अशांत होते हैं। इस सिद्धांत को कभी मत भूलना।
पहले मैं क्रोधित होऊंगा तो दूसरे को क्रोध करूंगा, यदि मैं शांत होऊंगा तो दूसरों को शांति का पाठ पढ़ाऊंगा। तो जिससे हम दूसरे की हानि करने की सोचेंगे तो पहले अपनी हानि होगी। इसलिए आप कभी भी जैसे इस हरिद्वार की इस भूमि पर अर्धकुंभ के पावन अवसर पर हैं, आप लोग ऐसा संकल्प ले जीवन में मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति और आनंद चाहिए, मैं आनंदित रहूँ, शांति में रहूँ। तो जो शांति में खोज करने वाला व्यक्ति दूसरे को अशांत नहीं करेगा अपितु उसकी अशांति को दूर करेगा। भगवान ने आपको निमित्त बनाया इस कार्य के लिए, सेवा के माध्यम से, सुरक्षा के माध्यम से, और इस अर्धकुंभ में आने वाले जो लाखों लाखों भाई बहन हैं उनके आपको जो वो तो गंगा जी नहा करके पुण्य लेकर के जाएंगे, पर उस पुण्य का बड़ा अंश आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपके सेवाओं से ही वह इस निर्विघ्न इस कुंभ के स्नान के द्वारा वो घर जाएंगे। तो हमारी बहुत शुभकामनाएं इस पतंजलि योगपीठ प्रांगण में। हम भी सेवा करते हैं, आप लोग वर्दी में, हम बिना वर्दी के हैं। आपकी ड्यूटी शायद 12-14 घंटे की होती है, हमारी तो ड्यूटी महाराज जी ने 24 घंटे की लगा रखी है। और आपको कभी कभी सैटरडे संडे को छुट्टी भी मिल जाती होगी, हम तो छुट्टी भी नहीं मिलती है, बस फर्क इतना ही है। तो लगे रहें, हम सब मिल करके देश को बनाना है, आप भी देश को बनाने की सोचें, हम भी सोच रहे हैं, और हम सब मिल करके हम जहाँ भी हैं इस देश को हमें उन्नत बनाना है, और समृद्धशाली देश में लोग खुशहाली से और सुखपूर्ण जीवन जिए इसके लिए हमको प्रयास करना है। धन्यवाद। ओम। धन्यवाद आचार्य जी। अब मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा, कृपया आशीर्वचन देकर हमें कृतार्थ करें। आदरणीय स्वामी जी, सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भारत के पर्वों में यूं तो बहुत से पर्व आते हैं, लेकिन कुंभ उसमें एक महापर्व की श्रेणी में पूरे देश में उसकी प्रतिष्ठा है। और अभी 14 जनवरी मकर संक्रांति से लेकर के और अप्रैल महीने तक एक बहुत लंबा कालखंड है जिसमें करोड़ों लोग हरिद्वार आने वाले हैं, और उसके लिए आप लोगों का प्रशिक्षण चल रहा है। और प्रशिक्षण का मूल मंत्र मुझसे पूर्व आदरणीय श्री मार्तुलिया साहब ने दिया आपको, कि जैसे हमारा अपना कोई स्वजन आ रहा है, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे पिता यहाँ प्रस्नान करने के लिए भी आते हैं, तो मैं उनसे कैसे व्यवहार करूँगा, वैसे हमें व्यवहार करना है। मुझे पूरा विश्वास है इससे पहले के कुंभ बहुत अच्छे हुए हैं हरिद्वार में, कुछ अपवाद रूप में दुर्घटनाएं बहुत अधिक भीड़ में कभी कभी हो जाती हैं, लेकिन इस बार का कुंभ सर्वश्रेष्ठ होगा ऐसी आपसे अपेक्षा करते हैं।
आस्था और संस्कार के माध्यम से हमारा ये कार्यक्रम हर रोज करोड़ों लोग देखते हैं, पूरी दुनिया के करीब 200 देशों में देखते हैं। और आस्था और संस्कार देखने वाले आस्थावान सर्वाधिक कुंभ मेले में आते हैं। और मैं आस्था और संस्कार के माध्यम से भी बात के लिए पूरे देश के लोगों को और पूरे विश्व से जो हरिद्वार के इस कुंभ में लोग आ रहे हैं उन सबको मैं स्वयं भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बार आपको हरिद्वार में सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थाएं मिलेंगी इस कुंभ के अवसर पर। और मैंने देखा है अभी जो अभी तक कभी नहीं हुआ वो इस कुंभ में होने वाला है। मैंने पिछली बार देश के जो परिवहन मंत्री हैं उनके पास बहुत बड़े दायित्व हैं और हमारे करीब पिछले 10-15 वर्षों से अनन्य शिष्य हैं वो, गडकरी जी से मैंने कहा इस बार के कुंभ में बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जनवरी महीने तक हरिद्वार और दिल्ली तक का जो राजमार्ग है ये 4 लाइन का तैयार हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हरिद्वार के लिए और उससे आने वालों की संख्या भी करोड़ों में होगी। क्योंकि लोगों को ये जो रास्ता होता था ये कन्वीनियंट नहीं होता था, हम स्वयं देखते थे कि हमको 6-6, 8-8 घंटे लग जाते थे। जब 4 लाइन का ये रास्ता हो जाएगा तो दिल्ली से हरिद्वार लोग 2.5 से 3 घंटे में पहुंच जाया करेंगे रात्रि के समय। हम क्योंकि अभी भी देखते हैं कि जब हम दिल्ली से 4 बजे चलते हैं तो यह हम 7 बजे तक पहुंच जाते हैं इस समय भी। और अभी कई जगह 4 लाइन पूरी नहीं हुई है तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, दिल्ली से हरिद्वार का रास्ता बहुत अच्छा बन रहा है। मैं अभी बोल रहा था आदरणीय जोशी जी से और मार्तलिया साहब से कि हमें करीब 20 साल हो गए हरिद्वार में, लक्सर और हरिद्वार का रोड कभी भी अच्छा नहीं रहा। अभी पिछले 2-3 महीने में वो रोड भी हाईवे जैसा बन करके तैयार हो गया है। मुझे लगता है ऐसे ही उधर भी चल रहा होगा, जो चिंडी वाला जो रोड है वो भी रास्ता अच्छा बन रहा है। तो रास्ते अच्छे होने से और लोग जो है भारत के लोगों में स्वभाव से ही श्रद्धा है। पूरी दुनिया में लोग 5 दिन काम करते हैं 2 दिन घूमते हैं। माने पूर्व से लेकर के ऑस्ट्रेलिया से लेकर के और इधर जापान और चीन से लेकर के और पूरा यूरोप, यूके, यूएसए, अफ्रीका, इधर जो है सिंगापुर, सारी लगभग दुनिया देखी अपनी आंखों से। 5 दिन लोग काम करते हैं 2 दिन घूमने के लिए निकल जाते हैं। हिंदुस्तान में भी अभी ऐसा कुछ ट्रेंड बन रहा है, 5 डेज वर्किंग का हो रहा है और 2 दिन लोग आउटिंग के लिए निकलते हैं, एडवेंचर के लिए निकलते हैं, कहीं यात्रा के लिए निकल जाते हैं। और भारत में यात्राओं में भी अश्लीलता नहीं है, उसमें विलासिता नहीं है। भारत में लोग किसी तीर्थ पे निकलना चाहते हैं और आज हरिद्वार केवल उत्तर भारत का नहीं पूरी दुनिया का श्रद्धा का केंद्र बना है। ये वर्ल्ड स्पिरिचुअल कैपिटल के तौर पर हरिद्वार पहचाना जाने लगा है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस विश्व की स्पिरिचुअल आध्यात्मिक राजधानी में ये जो कुंभ होगा ये तो अपने आप में बहुत अद्भुत होगा। और उस समय आप लोगों को सेवा करने का, जैसे श्रद्धाचार्य वार्षण जी भी कह रहे थे, ये सौभाग्य मिला है। और उसके कुछ मूल मंत्र आपको पहले ही दे दिए गए हैं, 2-4 बातें मैंने भी जो अनुभव की हैं वो कह करके फिर आपको योग की ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि योग करेंगे ना तो गुस्सा अपने आप ही कम आता है, योग करेंगे तो आप अपने कर्तव्य के प्रति और ज्यादा सजग रहेंगे। ऐसे बताओ, मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझे किसी ने तो नहीं कह रखा कि बाबा आपको 18 घंटा काम करना है। साधु बनने का मतलब लोग सोचते हैं कि बस कुछ मत करो, आराम से बैठे रहो, पैर पूजा करवाते रहो, अपनी आरती करवाते रहो। हम अपनी आरती करवाने के लिए, हम अपने गले में फूल माला डलवाने के लिए, अपनी पूजा कराने के लिए साधु नहीं बने हैं। हम तो इस मानवता की और भारत माता की पूजा करने के लिए सन्यासी बने हैं। कुछ लोग हैं बोले बाबा जी आपने हमको योग सिखाया, हमारा कैंसर ठीक हो गया, हमारी हार्ट की बीमारी ठीक हो गई, हमारा हेपेटाइटिस ठीक हो गया। बाबा आप ना होते तो हम ना होते, हम तो अब तक मर गए होते, आप हमारे लिए भगवान हैं। और बाबा जी हम रोज आपकी फोटो के ऊपर
दीप बत्ती करते हैं और आपकी फोटो पर माला रोज चढ़ाते हैं बाबा, बस आप तो हमारे लिए भगवान हो। मैंने कहा अपने माता पिता की फोटो पर माला चढ़ाई? बोले बाबा जी तो अभी जिंदा है। आप समझ गए, हम अपनी अपनी फोटो पे माला चढ़वाने के लिए, अपनी पूजा करवाने के लिए साधु नहीं बने। मैं साधु होकर के जब 18 घंटे रोज सेवा कर सकता हूं, तो आप भी इस कुंभ में यदि 18-18 घंटे भी आपको सेवा करने पड़े तो भी पीछे मत हटना, ठीक है? कभी कभी 18 घंटे भी सेवा करनी पड़ सकती है। और भाई मैंने पूरी दुनिया देखी है लगभग, उसमें एक बात और भी देखी है, सभी लोगों की करीब 8 घंटे की ड्यूटी है, इन हिंदुस्तान के पुलिस वालों की 24 घंटे की ड्यूटी। लोग पुलिस वालों को कोसते रहते हैं, अखबार वाले हों टीवी वाले हों, जिसको देखो वही इस खाकी के ऊपर डंडा चलाता रहता है, कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म करेंगे। कोई मैं तो सीरियल और पिक्चर देखता नहीं, लेकिन मैंने सुना है सीरियल और पिक्चरों में भी बाबा और पुलिस वाले, इन दो के ऊपर सबसे ज्यादा नकारात्मक टिप्पणियां होती हैं। लेकिन यह भी सच है कि ये साधु ना और ये हमारे सिपाही ना होते देश में नहीं चल सकता। अरे अच्छे साधु और अच्छे हमारे पुलिस वाले, पुलिस वालों में एकाधे किसी से गलती हो जाए, हम कोई दरोगा यदि शराब पी करके थोड़ा बहुत कुछ बोल दे तो पूरे टीवी वाले सुबह से शाम तक उसकी पूरी पिक्चर दिखाएंगे। दरोगा सड़क के ऊपर शराब पी करके घूम रहा था। अरे यदि एक दरोगा ने दारू पी ली तो पूरे पुलिस वालों को पूरे दिन भर ब्रेकिंग न्यूज चलाएंगे। अरे भैया नहीं पीनी चाहिए दारू, लेकिन एक पुलिस वाले ने दारू पी ली तो क्या सारे पुलिस वाले दारूबाज हैं क्या? ऐसी इमेज बना दी गई हिंदुस्तान में पुलिस की। मुझे पूरा विश्वास है हरिद्वार के इस कुंभ में पुलिस की इमेज को आप 4 चांद लगाएंगे, उसको बहुत गौरव प्रदान करेंगे। पुलिस एक्ट जो अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है, वो पुलिस एक्ट अभी उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं तो यदि पुलिस की बात करूं तो मैं ऐसा मानता हूं कि आज भी इस देश में सबसे ज्यादा जो मेहनत करने वाला कोई महकमा है तो इस देश का ये पुलिस डिपार्टमेंट है, सबसे ज्यादा मेहनत करता है। और ऐसा नहीं कि सिपाहियों से लेकर के इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर से लेकर के, चाहे एसएसपी हो, एसपी हो, डीआईजी हो, चाहे हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस हो, सभी को 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। और फिर कहते हैं पुलिस वाले तनाव में रहते हैं, तनाव में तो रहेंगे बेचारे, उनको जो है पुलिस वालों की बीवियां सबसे ज्यादा दुखी रहती है। क्यों? वो बच्चों के लिए उसके पास समय ही नहीं होता। तो आप लोगों को माना कि आपके सामने प्रतिकूल परिस्थितियां रहती हैं, लेकिन उन सब के बीच में भी आप खुश रह सकते हैं। जैसे हम आपके सामने बैठे हैं, हमने दुनिया की अनुकूलता और दुनिया की प्रतिकूलता दोनों देखी है। हमें लोगों ने शैतान भी कहा है और हमें लोगों ने भगवान भी कहा है, और दोनों तिरस्कार और सत्कार दोनों में हम सम रहते हैं। आप भी रहो ऐसे भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है कि दूसरा हमको क्या कह रहा है, अरे मैं क्या हूं इससे। तो आपको दो बातें बता करके आगे बढ़ता हूं। देखो भाई, एक तो आप अपना संतुलन ठीक रखना ही पड़ेगा आपको। क्या होता, आप तो अपना संतुलन ठीक रखें लेकिन दूसरे रखने नहीं देते। यहां जो कुंभ में स्नान करने आएंगे श्रद्धा से आएंगे ये बात तो पक्की है, लेकिन वो भी आप खो देते हैं तो आकर के वो भी आपको क्रोधित कर देते हैं, 2-4 गाली सुना देते हैं। तो आपकी ट्रेनिंग का असर ये होता है कि 10-20 गाली तो सुन लेते हो, फिर उससे ऊपर जब हुई तब फिर आपकी भी शुरू हो जाती है। आपको खूब ट्रेनिंग दी गई है कि कोई कुछ भी बोले आपको अपना आपा नहीं खोना है, यही ट्रेनिंग दी गई है ना। तो आपने सुबह सुबह आप ड्यूटी पर गए 2-4 घंटे तो सुनी आपने, आगे खड़े होकर के डंडा लेकर के, हम यहां स्नान करने के लिए आए हैं, तुमने सुबह से हमको परेशान कर रखा है, वो कहता इधर जाओ, वो कहता उधर जाओ, तुमने हमारा हराम कर रखा है जीना। तुम पुलिस वालों को 2-4-10 गालियां तो सुनने को मिलती हैं, और गाली तो आप ये समझ लो कि आप लोगों को प्रसाद में मिलनी ही होती है, कहीं कहीं पुलिस के पास में कोई अच्छा भला आदमी थोड़ी जाता है। अभी तो चलो कुंभ में तो चलो श्रद्धा से भी लोग आ रहे हैं, पुलिस में जाता कौन है, झगड़ा करके जाएगा, राजी राजी कौन पुलिस में जाता है। इसलिए पुलिस वालों को तो मेरी तरह से गाली सुनने की आदत होनी चाहिए, आप गाली प्रूफ हो जाओ।
जैसे बुलेट प्रूफ होता है, वेदर प्रूफ होता है, फायर प्रूफ होता है, तो सारे पुलिस वाले गाली प्रूफ हो जाओ एक तो ये संकल्प ले। अपने को कोई कुछ भी गाली दे रहा है उसको सुनना ही नहीं, वो सोच ले भाई ये तो अब बेचारा अपना स्ट्रेस बाहर निकाल रहा है, तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है उसका, ऐसा समझ लो कि वो जो भी कोई आपको आके गाली देता है तो समझ लो वो अपने भीतर की भड़ास, अपने भीतर का दुख, अपने भीतर का तनाव बाहर निकाल रहा है और आप उसमें माध्यम बन रहे हैं, तो ये तो अपना सौभाग्य मानो कि आप किसी का तनाव करने दूर करने में आप कारण बने हुए हो। तो एक तो गाली सुन करके परेशान मत होना, एक बात, और ये मैंने खुद मैं जिसको जीता हूं वही कहता हूं हमेशा, मैंने इसको जिया है, कोई मैंने अभी तक लाखों गालियां सुनी है और करोड़ों प्रशंसाएं भी सुनी है, कोई गाली देता है तो मैं मुस्कुरा देता हूं, और जब मैं गाली लेता ही नहीं हूं तो लौट कर किसी के पास वापस चली जाती है। भाई यदि आपने कोई आपको कोई गिफ्ट दे रहा है और वो आपने गिफ्ट जो है मान लीजिए मैं किसी को माला दूं, वो स्वीकार ना करे तो मेरे पास रह जाएगी ना, तो जब आप किसी की गाली को स्वीकार नहीं करेंगे तो गाली की मार उसी पर वापस पड़ेगी, इसलिए आप लोग प्रसन्न रहो। आप गाली को जो है आप सुनो ही मत, उसको अनसुना कर दो और फिर भी अपनी बात कहते रहो, तो इसको ऐसे किया जा सकता है, एक बात तो ये।